अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी गर्मा गर्म छोले भटूरे आपकी फेवरेट। चलो क्या कर रहे हो आप? मम्मा ये देखो ना, ये जो मॉडल ने ये जो ड्रेस पहनी है कितनी सुंदर है ना। एक सेकेंड, ये फैशन मैगजीन किसने दिया आपको? कौन देगा आपको फैशन मैगजीन? ऑफ कोर्स मैंने दी, लंदन थोड़ी लेके आई। बच्चे हो ना दोनों के दोनों। एक सेकेंड ना खुशी, रणबीर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ना सच में नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करते, फैशन मैगजीन दिखा रहे हो। सर तू क्या हो गया, स्टोरी बुक नहीं थी, फैशन मैगजीन थी, इसी बहाने उसका फैशन सेंस अभी से अच्छा रहेगा। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम मजबूर करते हो मुझे। कुछ भी करने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो। छोड़ो तुम। अरे खुशी बेटा इसे छोड़ो, भूख लगी है ना, पहले हम खाना खाते हैं, आपके फेवरेट छोले भटूरे। कम ऑन कम ऑन, पापा पापा भी खाएंगे ना। अरे वाह कितने टाइम बाद इस घर में मेरी चिंता किसी ने की है। So cute, है, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है। कम है। आपके पापा को हम भूखा नहीं रखते, उन्हें भी खाना दे देंगे। लेकिन अगर कोई एक बार थोड़ी चिंता कर रहे तो कितना अच्छा लगेगा ना पापा को। चिंता तो करना पड़ेगा ना, जैसे मेरी चिंता मम्मा करती है, मैं आपकी चिंता करती हूँ, तो वैसे ही आप मम्मा की चिंता करना, वैसे सबकी चिंता हो जाएगी। कितनी समझदार हो गई हो तुम लंदन जाने के बाद, भाई बच्ची कितनी प्यारी है। हो गई समझदारी की बातें, चलो अब सब छोड़ो, पहले हम खाना खाते हैं, बाद में पापा भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। चलो कम ऑन। नहीं मैं बाद में खाऊंगी पापा। खुशी मुझे मम्मा से बचाओ। खुशी ये क्या बात हुई, कम ऑन नीचे आओ, मस्ती नहीं। पापा बचाओ, उनकी बात सुनो। खुशी हाँ मम्मा ऐसे नहीं करते ना। अरे नहीं मैं आपको कह रहा हूँ उनकी बात सुनने के लिए। अरे देखो मम्मा ये आपको कह रहे हैं। अरे मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम इतनी बदमाश कब से हो गई। खुशी इधर आओ, ये लो खाओ। कहाँ गई तुम खुशी? ठीक है खाना नहीं खाना है मत खाओ, मुझे गुस्सा आ गया है और मैं जा रही हूँ। रुको 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 प्लीज रुको रुको। मम्मा आप गुस्सा मत होना। प्राची प्लीज तुम गुस्सा मत होना। I'm sorry ना मम्मा। I'm sorry ना प्राची। I love you मम्मा। I love you too ना। I'm sorry। चलो खुशी बेटा बैठो, अच्छे बच्चों की तरह खाना 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 बहुत जरूरी है, खाना नहीं खाओगे तो पोषण कैसे मिलेगा। क्या हाल बनाती है। चलो चलो चलो। हाय सर। एकदम सही वक्त पे आया। कुछ काम था क्या सर? अगर कुछ काम नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। एक बच्ची है उसे किताब करना है। खुशी नाम है इसका, इसे किडनैप करना है। आज रात को कृष्णा जन्म के वक्त घर आ जाना और मेक श्योर किसी भी हाल में ये बच्ची किडनैप होनी चाहिए, समझे तुम? काम हो जाएगा सर। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों? उदास नहीं हूँ मैं, उदास क्यों होंगी मैं तो बस। सीरियसली तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी उदासी ना मुझे महसूस हो जाती है, यू नो। क्या हुआ बताओ? ये जब से पैदा हुई है ना मुझे लगता है ये मेरा हिस्सा है जो मेरे सामने है, इसे देखती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ इसे, बहुत ज्यादा, पर मौका ही नहीं मिला वो प्यार दिखाने का, जताने का, एक्सप्रेस करने का, पता नहीं मिला। तो कोशिश करती रहती हूँ, अभी देखो कैसे सबके सामने कैसे हंस रही है,
मस्ती मजाक कर रही है, नाच रही है। मैं बस चाहती हूँ मेरे साथ भी ऐसे ही कर, ऐसे ही करे, बस हंसती रहे। पर तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है ना? जलन क्यों? कि नहीं, वो तो इसका प्यार है जो एग्जैक्टली खुशी का प्यार। तुम्हें लगता है खुशी का प्यार कभी भी तुम्हारे लिए थोड़ा कम होगा, चाहे कुछ भी बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, चाहे खुशी खुद बदल जाए, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इम्पैक्ट बढ़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर तुम भूल गई हो, तुम उसकी माँ हो। और माँ का प्यार कैसा होता है? ना कभी जबरदस्ती छीना जा सकता है और ना कभी जबरदस्ती दिया जाता है, वो हमेशा वहां रहता है। तो खुशी का प्यार कभी बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम अगर इतने अच्छे से समझ पा रहे हो मेरा प्यार, मेरी बच्ची के साथ मेरा रिश्ता, सब कुछ, तो एक बात और समझ लूंगा। मतलब बस इतनी बात कि कभी भी मुझे मेरे बच्ची से दूर मत करना, प्लीज। बच्चे से दूर मत करना? मैं तुम्हें खुशी से दूर करूंगा? कि कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? मैं क्यों दूर करूंगा तुम्हें? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है। तो तुम कभी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे, है ना? यही बोल रही हो? फिर से वही बात कर रही हो तुम? जिस तरह से रणबीर खुशी से बात कर रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था कि तुम हो मेन वजह, जिसकी वजह से वो बाप और बेटी एक दूसरे के साथ नहीं है। I mean, बच्ची है यार, उसपे गलत असर पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों से करने वाली। कैसा हो सकता है कि रणबीर खुशी को तुमसे दूर करने की कोशिश करे? तुम प्रॉमिस करो तुम कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे। अगर मुझे खुशी को अपने साथ लेके जाना होगा, तुमसे अलग करना होगा, तो मैं तुम्हारे सामने से लेके निकलूंगा उसे। फिर उसके बाद तुम रोक लेना और फिर मैं रुक जाऊंगा। चलिए चलिए, पूजा का समय हो गया है, आप लोग चलिए। चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, सब लोग हो गया है भाई। सब चलो, हां जी हां जी, चलो चलो चलो, शुरू होने वाली, आ जाओ सब लोग, आ जाइए। हां शुरू करिए जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मुझे पता है इस वक्त प्राची के दिमाग में क्या चल रहा है। खुशी सबसे बड़ी कमजोरी है प्राची की, बल्कि रणबीर की भी। इनकी कमजोरी से इनको इस बार हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, ऐसे कि रणबीर कभी प्राची की लाइफ में आ ही नहीं पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। आ जाओ, आओ और मिलो रणबीर से। अक्षय पुत्र जी, अब तुझे पूजा करनी है। अकेले नहीं, जोड़े के साथ पूजा करनी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।